हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज मैं बुधवार व्रत की कथा और विधि आपके पास लेके आई हूँ। चलिए हम और आप मिलकर बुधवार व्रत की कथा और विधि सुनते हैं। दोस्तों, ग्रह शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस दिन नवजात शिशु के हाथों से करवाए गए कृत्य से समस्त मनोकामनाएं फलवती होती हैं। पूजा की विधि इस प्रकार है। दोस्तों, इस व्रत में रात दिन में यानी कि 24 घंटे में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही साथ बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, बीच में ही नहीं जाना चाहिए। इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। चलिए कथा सुनते हैं अब। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात उसने सास ससुर से अपनी पत्नी की विदा करने के लिए कहा, किंतु सब ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। तो वह व्यक्ति ना माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवा कर अपने नगर की ओर चल पड़ा। राह में उनकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तब वह पति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि अपनी ही जैसी सूरत वाली वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। तो दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा के ला रहा हूँ। तो वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह तो व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह कैसी लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी, यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया और बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता, उसको सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जय बुद्ध देव जी। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि वे सभी आप सभी सुख और समृद्धि से भरे रहें। थैंक यू।